पहला कौन है जी मेरा नाम आसिफ अली आसिफ अली है पर टीम में सारे मुझे डैश बुलाते हैं जरा है ना ये नहीं नहीं बताना पड़ेगा बताना नहीं 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 ये आसिफ नाम ना शुरू से जो फैसलाबाद में जो मशहूर है इसको आसिफ आडा कहते थे शुरू से आटा आडा आडा आसिफ आडा लड़ाके ने नहीं नहीं बहुत शरीफ जो है वो इसको लेकर बड़ा मीस ठीक अच्छा। <laughs> है यार यार। भैया की कह रहे थे ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब। जब कोई किसी ने कहा सही फील्डिंग कर आसफ तू <laughs> कर लेना अच्छा, अच्छा, है जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है वो है इनका बेटा माशाल्लाह बेटे से बहुत मोहब्बत बहुत मोहब्बत इनको क्या बात है ये हो बिल्कुल ठीक बनता है प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूँ प्रैक्टिस के मामले में ठीक है ठीक है ठीक है अभी प्रैक्टिस के मामले आ, प्रैक्टिस, में कोई कॉम्प्रोमाइज कोई डेढ़ दो सौ रोज के डेढ़ नहीं है लेकिन ये अगर प्रैक्टिस अपनी कहते तो हैं वो

क्या? आप कोशिश करते हैं निकलवाने की नहीं हमें पता है आसिफ भाई इनका ये होता है कि मैच खत्म हो जागे कमरे में और क्या आसिफ भाई खाना खा लो और मैं सो रहा <laughs> इनको पास बैठा लो बातें कर लो आसिफ भाई चुप करके सुनी जाएंगे मेरे जैसे जाएंगे? बस तो ऐसा बंदा भी ठीक है जो जाए हां सही है ना अग्गो जवाब ही नहीं दे रहा सुनी खुद ही बता जा दे रहे तो कैप्टन तो इनको कुछ कहता नहीं होगा वो कहना तो जुड़ना ही है बस इसको भी कुछ तो बोलता कौन है ज्यादा टीम में हसन हसन बहुत बोलते हैं वो बड़े शुक्रिया उनका डांस भी, भी बहुत तब आता जी। जी जब जब इसको हम तंग करते हैं हम सारे दोस्त जो है तीन चार। ठीक है एक चीज जिसके बगैर में नहीं रह सकता वो है हसन को तंग किए बगैर अच्छा अच्छा वेरी गुड तो तंग करते कैसे नहीं और रहने

तो तरह कुछ कर भी लो वो <laughs> एक गुस्सा हो जाएगा फिर बन, फिर मनाना पड़ता रही थोड़ा, ये इसकी ये है नहीं रह सकता वो है बोलने के बिना बहुत बोलना है इनका स्टेप आपको पता ना जो ग्राउंड में वो करते हैं हां जी वो कर सकते हैं आप नहीं वो दी गर्दन खिंची हुई सिम खिंची है स्ट्रेचर पे ना लेके जाना पे

अब ये बातें ना कहते बाते ना बड़ी करते हैं ये कोई मसला नहीं सारे दोस्ती दो एक होता है सिर्फ पर्सनल बातें होती है लेकिन ये इसकी ये क्वालिटी है कि ये हमारे साथ शेयर कर लेता है क्या बात है दोस्ती की लाइफ एग्जाम्पल है ये आप लोगों के सामने गौर से देखे इनको। <laughs> मेरा खान। पर टीम में सारे मुझे शेडी 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 शेडी

खिलाड़ी अपनी पे वो ये ज्यादातर होता है की जब लड़का पहले पहले खेल रहे खेल रहे हो ना तब ज्यादा होता, होता है तब ज्यादा वैसे इतना नहीं होता लेकिन यह है की स्क्रीन में होता है लड़के ये देख रहे होते हैं ऐसे वाकई हुए भी है पी एस एल में हुआ था शायद आपको याद भी हो या किसी को याद हो शाब रिजवान लड़का था हमारा इस्लामाबाद की टीम में उसको फील्डिंग पे कह रहा है कि आगे हो जा आगे हो जा वो अपनी दुनिया में गुम था वो था कैमरा पकड़ा क्यों <laughs> हो सकता है इसको होता तब ये जब ग्राउंड में कोई इसकी बात ना माने तब इसको होता है क्राउड के पास शौक होता है खड़े होने का नहीं ये ज्यादातर इसकी कोशिश होती है कि वो सर नहीं, बाहर के मुल्क में बाहर के मुल्क में होता होगा <laughs> होता होगा। <laughs> लेकिन अब आप तो से क्यों अब तो नहीं ना अब तो शादी हो गई है मैं क्या बात कर रहा हूँ मेरे का बाहर के मुल्क में क्राउड के पास खड़ा होना पसंद है कहते नहीं आप तो शादियाँ हो गई है <laughs> होनते होनते है ना कि उन इतना अभी इतना नहीं है कि बाहर क्राउड के पास खड़े हो जाए कुछ ऐसा वैसा शरीफ ना होता था थोड़ा बहुत थोड़ा क्या होता है कि चल जाके देख ले क्या दोस बैठे होंगे कहीं ना कहीं हमारे <laughs> <laughs> एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है क्रिकेट अच्छा क्रिकेट से बहुत मोहब्बत है क्रिकेट आ, क्रिकेट मेरी जान है क्रिकेट क्रिकेट मेरा मेरा मान है क्रिकर, क्रिकर, है क्रिकर, मेरा सब कुछ है। वेरी गुड प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश प्रैक्टिस के मामले में सारे लड़के परफेक्ट है इस टाइम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नहीं। सवाल ही लेट आ जाए नहीं, नहीं, नहीं लेट वाला तो सीन ही नहीं है क्रेजी सीन है लेट वाला तो सीन होता ही नहीं है क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है और वो है की जो इसके दोस्त हैं पिंडी बॉयज उनमें बैठना अच्छा बहुत शौक है गपशप लगाना इसके दोस्त हैं काफी तो उसमें इसको बड़ा शौक है उनमें बैठना

जी वेलकम बैक किधर चले गए थे यार राणा जी ने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया लग रही है हंसी मजाक हो रहा है अभी तो राणा जी ने भंगड़ा भी डाला था आगे सिलसिला करते ना कंटिन्यू एक ऐसा जिसके साथ आप खेले ना हो लेकिन खेलने की ख्वाहिश रखते हो युसफ भाई यूसफ भाई अभी भी माशाल्लाह उनका रिकॉर्ड है एक साल में अठारह सौ रन का इस तरह आगे। उनका कुछ टेस्ट मैच का तो क्या क्या वजह यूसुफ भाई ग्रेट बंदे हैं ये वो मैं उन्होंने मेरी कोचिंग की थी अच्छा। मतलब उनके बाद उन्होंने मेरी बैटिंग मतलब टेक्निक नहीं चेंज की लेकिन मेरी बैटिंग की एक दो तो चीज थी वो जो ठीक की है तो वो उनके समझाने का उनके बात करने का ऐसे ही तरीका है कि वो आपके जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं फुटवर्क तब्दील किया उन्होंने आपका फुटवर्क नहीं उन्होंने थोड़ी सी बेसिक्स अच्छी की हैं कि बेसिक स्ट्रॉग कर लो उसी वजह सारी चेंज हो गई है वो आपके साथ ऐसे ही रहते हैं कि जैसे आपके लंगोटिया यार है अरे कोई ऐसा फील नहीं होगा कि वो मोहम्मद यूसुफ है या वो पाकिस्तान का लेजेंड या वो आपसे इतने साल बड़े हैं वो ऐसा फील ही नहीं मतलब एक दोस्ताना आना या राना तरीके से वो आपको सिखा भी देते हैं समझा भी देते जी हैं भी और आपकी बेहतरी भी कर वेरी गुड कोई और एक और प्लेयर कोई इंटरनेशनल प्लेयर ये भी तो इंटरनेशनल है नहीं <laughs> <laughs> ये तो पाकिस्तान के है ना कोई बाहर का काम एस धोनी क्या वजह इसकी जैसा वो कप्तान है ना जितना वो काम बंदा नजर आता है जैसे वो प्लानिंग करता है ये है कि आप ऐसे प्लेयर के साथ खेल के आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलता है कि वो किस कैसे अपने आप कितना काम रख लेता है